Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup Special Transmission powered by Spark Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk. मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन and this is turning out to be a one-sided affair for India. जी हाँ, इंडिया की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस इंडिविजुअल एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप में, सिंगल एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप में 711 रन सबसे ज्यादा है और ओवरऑल थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट भी बन गए विराट कोहली. व्हाट अ डे फॉर हिम, व्हाट अ परफॉर्मेंस. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल बासित अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शोएब जट और शाहिद हाशमी साहब. तो सबसे पहले बासित भाई, आपसे शुरू करते हैं. क्या जबरदस्त दिन है इंडिया के लिए, तमाम रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं, सेमीफाइनल में पोजिशन भी बड़ी स्ट्रांग हो गई है, कैसा देखते हैं? नजीब, नो डाउट पूरा टूर्नामेंट इस तरह खेलते हुए आ रहे हैं, चाहे पहले बारी हो, चाहे दूसरी बारी हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे स्पिन डिपार्टमेंट हो, चाहे फास्ट बॉलिंग हो. मेरा ख्याल है कि एक ऑस्ट्रेलिया ऐसा लगता था, या 70s में वेस्ट इंडीज जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते थे, तो ये देख के पूरा टूर्नामेंट लगता है कि इंडिया भी उस तरह की क्रिकेट खेल रहा है. एक चीज़ है कि सपोर्ट है थोड़ी क्राउड की और जो होम एडवांटेज होता है उसका सपोर्ट है. वेस्ट इंडीज ने हमेशा हर जगह खेला है, ऑस्ट्रेलिया ने भी हर जगह परफॉर्म किया है और इंडिया जो जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, होम एडवांटेज लग रहा है और अच्छी चीजें होना भी चाहिए. जो क्राउड जिस तरह शोर मचाता है ना, एक चौके पे एक छक्के पे, तो सामने वाला क्या करेगा? 11 के सामने 35 लाख और 35,000 लोग. बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन अगर 2015 ऑस्ट्रेलिया में, 2019 इंग्लैंड इंग्लैंड में, 2023 इंडिया में, तो होम एडवांटेज तो सभी को हो रहा है. ये होम ऑब्वियसली कंडीशन का तो पता होता है, लेकिन आज देखें विकेट जो जिस तरह बात हुई, विकेट चेंज हुआ या ग्रास उतरी, व्हाटएवर, लेकिन इससे बहुत ज्यादा एडवांटेज पहले बैटिंग करने वाली साइड को है. और आप देखते हैं ऐसा ऐसा, अगर देखें 30 ओवर्स के बाद, 35th ओवर के बाद बॉल टर्न भी होना शुरू हुआ, तो आई थिंक जो टोटल इन्होंने कर दिया है बहुत ही मुश्किल होगा कि न्यूजीलैंड इसके करीब भी पहुंच सके. बहुत बड़ी एफर्ट होगी अगर ये करीब आ जाए तो. लेकिन दाद देनी पड़ेगी सबसे पहले रोहित शर्मा को, क्यों जैसे वो टोन सेट करते हैं आते ही, आई थिंक दूसरे तीसरे बॉल से भी जो है अटैक कर देते हैं, तो वो जो थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं ना कि एडवांटेज अगर नए बॉल का उठाना भी है तो वो पहले से ही टीम अंडर प्रेशर होती है. तो कई दफा रोहित शर्मा आउट भी हुए हैं इसमें, लेकिन उन्होंने अपना एक रोल देख लिया इस वर्ल्ड कप में कि वो अर्ली ऑन जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं. उसका शुभमन गिल भी एग्रेसिव खेलते हैं और विराट कोहली के लिए एक आइडियल सिचुएशन है कि उनके अराउंड जितने प्लेयर हैं वो सारे स्ट्रोक मेकर हैं और वो अपना एंकर करते हैं. और ये नहीं कि उन्होंने स्लो खेला, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और आज 50वीं सेंचुरी की है और आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट और पूरे यू नो इंडिया को मुबारकबाद की. एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है 50-100 करना इंटरनेशनल पर वन डे क्रिकेट में, आसान काम नहीं है. और जो टोटल करने जा रहे हैं आई थिंक ये श्रेयस अय्यर ने भी 100 किए, तो आई थिंक ये बहुत ही जबरदस्त टोटल इन्होंने कर लिया है और बहुत ही मुश्किल है कि न्यूजीलैंड मैच में कम बैक. बिल्कुल कामरान, सबसे पहले विराट कोहली और फिर इंडिया का ये टोटल, क्योंकि कोहली को तो हम सभी बड़ा हाई रेट करते हैं, वो एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं सारे प्लेयर्स के लिए. देखिए बिल्कुल ऐसी ही और परफॉर्मेंस भी वैसी है. पहले हम लोग सोचते थे यार ग्रेट सचिन तेंदुलकर के 500 हैं, कौन तोड़ेगा. सही बात है, ठीक है, तो सोचते ही बंदा थक जाता है. वो कर करके नहीं थक रहा, तो अब अनबिलीवेबल अचीवमेंट है इंडिया के लिए, उनकी कंट्री के लिए, जो उसकी सर्विस है, जो उसकी परफॉर्मेंस है. मेरे ख्याल से ये परफॉर्मेंस क्रिकेट जब तक है ये भूलेगी नहीं. और मेरा ख्याल जो इसकी परफॉर्मेंस है ना, उसको तोड़ने के लिए फिर वो कोई अलग ही इससे बड़ा प्लेयर आएगा जो अभी तक क्रिकेट हिस्ट्री में मुझे नहीं लगा कोई आएगा जैसे उसके 100 बन गए. और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में मौजूद है, उनके ग्राउंड में 49th भी 100 तेंदुलकर ग्राउंड में था, 50-100 भी बनाया वो ग्राउंड में, उसके सामने बन रही है जी. तो अनबिलीवेबल. और परफॉर्मेंस जो टीम का टोटल है वो बड़ा जबरदस्त था. टॉस बड़ा वाइटल था और उस हिसाब से जैसे अजहर ने बताया पहले मैच से ही जो रोहित शर्मा जो रोल निभा रहा है ना, बिल्कुल अनबिलीवेबल. बाकी बैट्समैनों के लिए बड़ा इजी हो जाता है. जो विराट कोहली की बैटिंग ठीक है, उसने टाइम लिया पेशेंट, लेकिन उस पर जो प्रेशर रिलीज किया श्रेयस अय्यर ने किया, 67 बॉलों पे 100 किया जिसकी वजह से इतना टोटल हुआ. लेकिन यह है कि अनबिलीवेबल दोनों की बैटिंग पर. शोएब, आपके तो इस वक्त 2 मैच चल रहे हैं, 1 मैच यहाँ चल रहा है और 1 मैच चल रहा है एनसीए में, तो पहले किस मैच पे बात करना चाहेंगे? नहीं, मेरी तरफ से भी बल्कि हर वो क्रिकेट लवर जो क्रिकेट को पसंद करता है उसकी तरफ से कोहली को मुबारकबाद तो बनती है. जो माइलस्टोन उन्होंने आज अचीव किया है, क्रिकेट में सारे रिकॉर्ड्स टूटते ही हैं, ये भी टूट जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है शायद 1-2 दहाइयों में तो ये टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा.
ना कोई ऐसी प्रोडक्ट नजर आ रही है जो इतना लंबा आप खेल सके, क्योंकि क्रिकेट जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उस तरीके से अब नहीं लग रहा कि इतने मौके मिल पाएंगे किसी को इतनी जल्दी। और वनडे तो खत्म करने की भी बातें हो रही हैं, अगर वनडे खत्म हो गया तो इसका मतलब ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए कायम रह जाएगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। जो यहाँ पे मैच चल रहा है इस टाइम बंद कमरे में चल रहा है, तो बंद कमरे की इतलात जो है वो जब कमरा खुलेगा तब आएगा। नहीं, आपके लिए कौन सा कमरा बंद है, इतलात तो आपके पास आती रहती है, बताइए होने क्या जा रहा है। एक मूवी नहीं थी मिस्टर इंडिया नजर भी आना चाहिए, वो मूवी बनी नहीं ना, जो मैं नजर आना चाहता हूँ। और देखिए मैंने कल भी आपको कहा था कि फैसले हुए हैं, लेकिन उन फैसलों पे अमल दरामद से पहले बाबर आजम को एतमाद में लेना था। तो अब पहले एक मीटिंग हुई जिसमें एशिया कप और वर्ल्ड कप के फेलियर्स पे बात हुई। अब 1-on-1 मुलाकात हो रही है चेयरमैन और बाबर आजम के दरमियान, जिसमें उनको एतमाद में लिया जा रहा है। किन को एतमाद में? बाबर आजम को एतमाद में लिया जाने का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो फैसले हैं, जाहिर है बाबर आजम एक बड़े स्टेक होल्डर है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या बाबर आजम की कप्तानी जा रही है? माहौल ऐसा ही है, वो खुद छोड़ेंगे तो समझ में आता है, उनको हटाया जा सकता है? माहौल ऐसा ही है, आप देखें क्या होता है। नहीं नहीं, क्या उनको हटाया जा सकता है? दोबारा रिफ्रेश करता हूं सवाल। देखें जिस तरीके से आप निशानदेही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी डे टू डे अफेयर चलाने होते हैं मैनेजिंग कमेटी ने। तो जब गुज़िश्ता मैनेजिंग कमेटी थी उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया मिकी आर्थर को नहीं दिया था, बाकी स्टाफ को नहीं दिया था। इसी तरीके से पाकिस्तान टीम ने अब जाना है दौरा ऑस्ट्रेलिया और फिर वहां से न्यूजीलैंड जाना है, ये 2 अहम सीरीज हैं। अच्छा, जो चेयर कप्तान बनाने का इख्तियार होता है वो पीसीबी बॉस के पास होता है, पीसीबी चेयरमैन के पास होता है। मैं आपको इसकी वजाहत कर दूं, क्योंकि अभी शाम के प्रोग्राम में, हमारे दोपहर के प्रोग्राम में अजहर ने बड़ी अच्छी एक बात की थी कि हम लीगल एक्सपर्ट नहीं है। मेरी अभी एक लीगल एक्सपर्ट से बात हुई है जो पीसीबी के साथ काम कर चुके हैं, उनका ये कहना है कि कप्तान लगाना डे टू डे अफेयर का हिस्सा नहीं है, कप्तान छोड़ के चले जाए तो फिर ये मजबूरी है कि लगाना पड़ेगा। कप्तान को हटा नहीं सकते। मैं अगर आलिया रशीद होता तो मैं पीसीबी की तर्जमानी कर देता, क्योंकि ये ड्यूटी उनकी है कि वो ठीक है। शायद आज मुझे अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, मौजूदा जो लीगल पीसीबी के साथ होंगे इंगेज, उनको लेंगे वो कहेंगे जी हो सकता है। अच्छा, शायद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, शायद साहब क्या कहेंगे इस पे? देखो पीसीबी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि कप्तान बनाना या कप्तान हटाना पीसीबी चेयरमैन का राइट है, लेकिन पीसीबी चेयरमैन नहीं है। बीच में कौन बोल रहा है? नहीं नहीं, कोई नहीं बोल रहा, शायद साहब बोलिए। पीसीबी चेयरमैन का राइट है कप्तान बनाना, कप्तान को हटाना, लेकिन जका अशरफ पीसीबी के चेयरमैन नहीं है, पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है। और जब नजम सेठी ने बनाया था कोच या कप्तान या जो भी कुछ, उस वक्त उनके खिलाफ कोर्ट ऑर्डर्स नहीं थे डे टू डे अफेयर करने के। तो यहाँ पे मेरी भी 2-3 लीगल एडवाइजर से बात हुई है, उन्होंने कहा जका अशरफ के पास ये राइट नहीं है कि वो कप्तान या कोचेस को हटा सके। हाँ, वो बीओजी फॉर्म कर दें, वो चेयरमैन इलेक्ट हो जाएं, फिर उनके पास हर राइट है। और इसमें सिर्फ एक चीज है जो शोएब आप कहना चाह रहे हैं ना, अगर कप्तान छोड़ दे फिर ये डे टू डे अफेयर का मसला है कि आपने नया लगाना। बात सुनिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम सिर्फ जो हैपनिंग हो वो रिपोर्ट करना है, क्या माहौल चल रहा है ये बताना है, क्या हो सकता है ये सही है लीगल है इलीगल है, ये सारी एक्सपर्टीज लीगल ही बताएंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर आलिया रशीद हो तो वो इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं, या पीसीबी क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल आके। मैं एज जर्नलिस्ट जो वहां पे माहौल है, जो वहां पे बातचीत हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, मेरा काम वो रिपोर्ट करना है और वो मैं करता हूँ। बिल्कुल सही है, हटाया जा सकता है। कैसे? बस ये लीगल जो है पीसीबी वाले वो जैन लड़ाए ना, मतलब आप कह रहे हैं मैं क्यों बताऊं, कानूनी दाव पेज लगाए। जी, कानूनी तौर पे हटाया जा सकता है, जाए ये ब्रेकिंग चला दीजिएगा, कानूनी तौर पे हटाया जा सकता जी। है ठीक है। तो शाहिद साहब बैरिस्टर बासित अली, मुझे अच्छा ये लगा, ठीक है क्योंकि वो लीगल एक्सपर्ट भी हो गए हमारे, आपने पूछा है तो हमने भी पूछा है। नहीं सही है, बिल्कुल ठीक है, हटा देंगे, कोई और पटीशन दाखिल कर देगा पाकिस्तान में, तो हाँ, ये अलग बात है। आप लाइन दे रहे हैं तो ये सिचुएशन जो है ना, वो जो शोएब की बात है ना कि अभी बंद कमरे में चीजें चल रही हैं, पहले वो हो जाएं तो उसके बाद हमारे पास क्लियर पिक्चर आ जाएगी। बहुत अफसोसनाक होगा कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अफेयर्स भी अगर अदालत में चले जाएं, वो तो जाहिर है, वो जाहिर है, ये पहली बार हो रहा है। आप बोलने तो दें सर, बोलिए बोलिए, चले जाए क्रिकेट बोर्ड के अफेयर में अदालत में, क्रिकेट बोर्ड के शायद नई बात थोड़ी है, शायद भाई वही बोल रहा हूँ, बोलने तो दें, क्रिकेट बोर्ड अदालत में गए, क्रिकेट बोर्ड के अफेयर आवाज दी जा रही है, एक सेकंड
जी अब बोलिए, क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स जो हैं वो अदालतों में जाते हैं। देखो क्रिकेट टीम की सिलेक्शन को लेके अगर वहां पे जाएंगे या वो जाएंगे तो बड़े अफसोसनाक होगा। फंसे रहे और ज़का अशरफ भी वही गलती कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करा रहे। ठीक है शाहिद भाई, आप शोएब की बात सुन लेते हैं फिर उसके बाद फिर आपकी तरफ आएंगे। जी मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स, हम तो शोएब की बातें सुन रहे हैं। बोलो शोएब। क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स जो हैं वो अदालतों में जाते रहे, उससे भी पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान ही हुआ है। अगर सिलेक्शन के और कैप्टनशिप के भी मामला अदालतों में जाएंगे यकीनी तौर पे आपका मजीद तमस्खरा बनेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, ये अलग बहस है। अगर जाएंगे तो इसका पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा, लेकिन जाएंगे नहीं। इंडिया के पास इनफ क्वालिटी बॉलिंग अटैक है कि उनके खिलाफ ये करना, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत करीब चले गए, फिर पाकिस्तान को बहुत बड़ा ट्रोल किया, लेकिन इंडिया की बॉलिंग जो है वो बहुत फॉर्म में है। उनके जितने भी बॉलर्स हैं स्पेशली बुमराह और शामी, उनका इकोनॉमी रेट और विकेट्स भी लेने का, शामी के तो एवरेज भी बहुत कम है, तो उसके साथ उसके बाद फिर उनके स्पिनर्स आ जाते हैं, बड़ा मुश्किल है उनके खिलाफ इतना बड़ा टोटल करना। यू नो न्यूजीलैंड फाइटिंग टीम है, बैटिंग उनकी काफी डीप तक जाती है, तो एफर्ट जरूर करेंगे, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है बहुत। पासित भाई कैसा देख रहे हैं इस परफॉर्मेंस को? रन तो ऑन बोर्ड कर दिए हैं, बहुत जबरदस्त रन है, मेरे ख्याल वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा रन भी कर दिए इन्होंने। और बाबर टेस्ट कैप्टन हैं पाकिस्तान टीम के, बाबर मैं आपको इतला दे रहा हूं, ब्रेकिंग दे रहा हूं कि बाबर आपको ब्रेकिंग दे रहे हैं, वो पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन हैं, दौरा ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन रहेंगे, ये मैं आपको तस्दीक कर रहा हूं। ये फैसला हुआ है बाबर आजम और चेयरमैन की जो मुलाकात हुई है कि बाबर आजम पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन रहेंगे। और बाकी फॉर्मेट्स के हवाले से कोई अपडेट आई है? मेरे पास जैसी अपडेट्स आती है मैं आपको कंफर्म करता रहता हूं, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है कि अभी तक वो टेस्ट के कप्तान बरकरार हैं। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कायद होंगे, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी खबर है इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट की। और जैसी मुलाकात खत्म हुई है उसके बाद मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ इंतहाई बावसूख जराये से कि बाबर आजम पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन बरकरार रहेंगे। मजीद क्या फैसले हुए उसके लिए मुझे थोड़ा सा बताओ, उसके लिए आप दोबारा अपने फोन में लग जाइए। तो नाज़रीन अपडेट आपको हमारे प्रोग्राम में शोएब जट से अभी अभी मिली है, और मैं चाहूंगा कि वो स्क्रीन पे हम उसकी ब्रेकिंग भी चला दें और नाज़रीन को बता दें, यू हर्ड इट फर्स्ट इन आर प्रोग्राम, शोएब जट ने अभी अभी ये ब्रेकिंग दी है कि बाबर आजम टेस्ट टीम की कयादत करेंगे। बाबर आजम दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट टीम के कप्तान अभी भी हैं और रहेंगे, तो ये है सिचुएशन। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, शाहिद साहब इस अपडेट पर क्या कहेंगे? अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है, और शोएब को मुबारक हो, शोएब ने ब्रेकिंग न्यूज दी है जैसी मीटिंग खत्म हुई है। अच्छा फैसला भी है और दानिशमंदाना भी है, इसलिए कि नए कप्तान बनाना कोई टेस्ट के लिए तीन टेस्ट लिए, जहां हम अभी से हमें पता है कि हमारे अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, अल्लाह करे अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन हमें पता है कि नहीं आएंगे, तो एक नए कप्तान के साथ भी ज्यादती होती, बाबर आजम जाएं कप्तानी करें, और इसी से साथ साथ ये भी बात साबित हो जाती है कि ज़का अशरफ के पास पावर नहीं थे बाबर आजम को हटाने। शायद भाई इसमें एक चीज मैं अपडेट करता चलूं कि बाबर आजम टेस्ट टीम के कप्तान होंगे, ये जो आखिरी मुलाकात हुई है इसमें दोनों इस बात पे मुत्तफिक हुए हैं। तहम अभी एक बैठक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की ओर लगनी है, जिसके बाद इसको बाकायदा जो है वो अनाउंसमेंट की जाएगी। अभी मैं आपको बंद कमरे की ये खबर दे रहा हूँ कि इस बात पे इत्तफाक हुआ है कि बाबर आजम को टेस्ट कप्तान कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन अभी एक मुलाकात और होनी है। जी प्लेयर ने जो ज़का अशरफ से, मुझे एक साबिक प्लेयर ने जो ज़का अशरफ से मिल भी चुके हैं, उन्होंने बताया था कि रिकमेंडेशन उन्होंने शान मसूद को टेस्ट कप्तान बनाने की दी थी। तो ये बहुत सारी ऑब्वियसली बातें चल रही थी, लेकिन अब ये नजर ये आ रहा है कि कप्तानी बाबर आजम के पास ही रहेगी टेस्ट टीम के लिए, और बाकी जैसे 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 अपडेट्स आती है आपको अपडेट करते रहेंगे। बासित भाई आप क्या सोच रहे हैं? कल आप इस पर कह रहे थे कि ये एक बड़ी टफ सीरीज होगी, तो अगर फ्यूचर में नहीं रखना तो अभी इनको कप्तान नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं? अभी तो इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज दे दी है, आया इस सीरीज के लिए या आगे एक साल या दो साल के लिए, ये तो अगर आ जाए ना पूरा, ये तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इनिशियल ये तो अभी इनिशियल अपडेट है। अगर एक सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए सिर्फ वो माना है या उसको रखा गया है, तो बाबर आजम ने बेवकूफी करी है। क्या शोएब इसमें कोई अपडेट है कि अभी तो मैं एक टेक्निकल बात बताऊं, चूंकि जनवरी में आपको खेलनी है T20 सीरीज और 11 महीने 12 महीने के बाद आपको खेलना है वनडे, तो वनडे इसलिए अभी आप साइड पे अभी आप उस पे बात करना जरूरी भी नहीं है ना।
टेस्ट टीम का अनाउंसमेंट होना है तो उसी के कप्तान का अनाउंसमेंट होना है। व्हाइट बॉल का कप्तान जब सीरीज जब चल रहा होगा दूसरा टेस्ट, तो उस दौरान व्हाइट बॉल की टीम ने अनाउंस होना है, तो वो कप्तान की बात तब होगी। लेकिन एतमाद में लिया गया है, चीजों को किया गया है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे पास इत्तला है वो ये है कि बाबर आजम जो है वो टेस्ट कैप्टन कंटिन्यू करेंगे, और लेकिन एक मुलाकात अभी थोड़ी देर में। हाँ, ये अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी है, लेकिन जो मेरे जराए हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन आपकी भी ऑफिशियली है। नहीं, मैं ऐसी कह रहा हूँ, मेरे जराए कह रहे हैं, जराए जो है वो ये कह रहे हैं। जी कामराज, क्या सोचते हैं? क्या सोचना, मैं तो मोबाइल देख रहा था, भाई की टिकट आई है, मुझे कोई खबर नहीं आई। लेकिन बराबर में जो खबर आई है उस वो मोबाइल देख के कह रहा, आप सोच रहे होंगे मुझे कोई खबर आई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि चले बाबर, शायद कोई बात ऐसी हुई हो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया हो, अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि इस टूर के लिए बनाया कि आगे पूरी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक उसे बनाया। देखते हैं जब फाइनल न्यूज आ जाएगी उस वक्त थोड़ देंगे, लेकिन यह है कि अच्छा किया कि टेस्ट कैप्टेंसी से अभी साइड पे नहीं की, अभी देखते हैं व्हाइट बॉल। और वो सारी बातें कि अभी इनके हाथ में वो पावर है हटाने का नहीं है, वो सारी बातें भी खत्म हो गई ना, आगे कंटिन्यू। मैंने एक बजे कहा ना, वो उस वक्त बेहतर लगेगा, अच्छा भी लगेगा पूरे पाकिस्तान को, जब इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्ट हो जाएंगे, तीन साल के लिए चेयरमैन आ जाएंगे, वो डिसीजन ले बाबर के साथ बैठ के, अगर बाबर कन्विंस होता या करना चाहता, या फिर उसको रोड प्लान दें कि आगे हमने कैसे क्रिकेट लेके जानी, किस अटेंड के साथ जानी है, फिर उसको वैसा कॉन्फिडेंस दें, वैसा उसको फिर डिलीवर करे, वो करके दे। बासित भाई जो है वो ही इज गिगलिंग, हंस रहे हैं कुछ। जी भाई, आप बड़े मासूम हो। मैं अभी आप ही ने बोला, शाहिद भाई ने भी बोला कि जो फैसला कोर्ट का है, आप डे टू डे अफेयर पे नहीं कर सकते। डे टू डे अफेयर पर ही कर सकते, मतलब नहीं कि वो कप्तान हटा नहीं हटा सकते ना, अभी कप्तान बना दिया। हाँ, तो ये रीजन भी तो हो सकता है। ये तो रीजन है, वन ऑफ द रीजन यही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। लेकिन बात वो शोएब की भी ठीक है। अब हंसी आई आपको? बात शोएब की भी ठीक है कि अभी तो पहले टेस्ट का होना, तो टेस्ट का फैसला हो जाए। देखिए, अच्छा, जब बाबर कप्तान बना था तो क्या टेस्ट मैच का बना था, तीनों फॉर्मेट का बना था? हाँ, तो लेकिन अभी अभी बैग हमारे यहाँ यही चल रही थी कि रेड बॉल का अलग कैप्टन होगा, व्हाइट बॉल का अलग कैप्टन। देखिए, अभी साथ ही T20 भी है, रेड बॉल का तो व्हाइट बॉल का भी साथ फैसला कर लेना चाहिए। अब देखिए, अब ट्रांसमिशन इतना अच्छा हो गया, हमने एक मोबाइल भी नहीं देखा, आज दो मोबाइल। ब्रिलियंट, ये जो शाहिद साहब आपने भी नोट भी किया, शॉर्ट ऑफ द डे, शोएब जट जब स्टूडियो में आते हैं कोई मोबाइल नहीं, क्योंकि फोन चार्ज पे होते हैं बाहर, आज ये दो मोबाइल साथ लेकर आए, क्योंकि इनको पता था बहुत कुछ होना है आज। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कॉमर्स तो ले, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission. और बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही है। अभी अपडेट ये है कि पीसीबी ने ये ऑफर दे दी है जका अशरफ साहब ने कि आप रेड बॉल के कप्तान कंटिन्यू करें, लेकिन बाबर आजम अपना जवाब देंगे सोच के। क्या अपडेट से शोएब? नजीब, मैंने आपको कल भी कहा था कि जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक बाबर आजम को ये मैसेज कन्वे किया गया था कि व्हाइट बॉल के कप्तान उनसे उनको एतमाद में लिया जाता है कि व्हाइट बॉल का कप्तान बना रहे हैं, तो आप मशवरा भी कर लेते हैं। सही है, तो एक क्लियर मैसेज था कि व्हाइट बॉल में कुछ और पीसीबी सोच रहा है, साथ उन्होंने कहा कि रेड बॉल में आप कंटिन्यू करें। तो उस पर बाबर आजम जब गए हैं तो बाबर आजम ने कहा कि हम इस पर सोच के जवाब देते हैं, इसीलिए मुलाकात और आज की मीटिंग की प्रेस रिलीज जो है वो अभी कुछ देर के बाद ही आएगी, लेकिन उनको इंतजार है कि बाबर आजम इसमें क्या जवाब देते हैं। पीसीबी बहरहाल ये चाहता है कि दौरे ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम रेड बॉल में पाकिस्तान की क्यादत करें। ठीक है, तो अभी करंट अपडेट्स ये हैं कि पीसीबी की ये पीसीबी ने उनको कह दिया है कि हम चाहते हैं कि उनको ऑफर दे दी है आप ही हमारे कप्तान कि वो रेड बॉल के कप्तान रहें, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए कप्तान रहें, लेकिन बाबर आजम ने सोच के जवाब देने का कहा है। ये अपडेट्स हैं नाज़रीन। इस वक्त जो मुलाकात हुई है अब से कुछ देर पहले पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा जका अशरफ की और पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम की मुलाकात की, ये अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं कि जका अशरफ ने उनको कैप्टन रहने की ऑफर दी है रेड बॉल के लिए और उनको ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए कप्तान मुकर्रर करने का कहा है, लेकिन जवाब जो है वो सोच कर बाबर आजम देंगे। शाहिद साहब, ये थोड़ी सी डेवलपमेंट है कि उनको ऑफर तो हो गई है लेकिन अभी तक बाबर आजम ने जवाब क्लियर नहीं दिया है, कहा है सोच के जवाब देंगे। जाहिर है वो अपने वालिद से पूछेंगे, वालिद की बात बहुत मानते हैं, रमीज राजा से पूछेंगे, इंजमामुलक से पूछेंगे जिन पे उनका एतमाद है, और आखिरी दो टेस्ट जीते हुए श्रीलंका में, तो जाएं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, पाकिस्तान का अच्छा नंबर है, खुलकर खेलें। लेकिन हमारे पास बॉलर नहीं है, हमारे पास इतनी स्ट्रांग बैटिंग नहीं है, हमारे पास माजी का बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में, तो रिस्क होगा। शायद वो
इस बात को सोच करके बहुत बड़ा रिस्क है, मैं 3 टेस्ट हारूंगा तो वर्ल्ड कप की नाकिस कारकर्दगी के बाद एक और धब्बा मेरे ऊपर लग जाएगा, तो सोच के जवाब देंगे सही फैसला है उनका कि उन्होंने फौरन ये फैसला नहीं किया। कमरन, क्या क्या इस पे आपकी क्या थॉट्स हैं कि वो आप कंसल्ट करेंगे लोगों से और फिर इसका डिसीजन लेंगे? बिल्कुल डिसीजन लेना चाहिए और अच्छी चीज है कि उसने ऑन द स्पॉट डिसीजन अपना नहीं दिया, और जो उसके मेंटोर है, जो उसके साथ बैठते उठते हैं, उसके अच्छे बुरे टाइम के साथ रहते हैं, जैसे मेरे उस बाबर के डैडी, उनसे पूछेगा जो बाकी क्रिकेट में जो सारा देखते हैं वो उससे बात करेगा, अच्छी चीज़ है, लेकिन जाए अपना खेले, अपनी क्रिकेट पे ना कोई फर्क आने दे, प्रेशर ना आने दे, और वही खुल के खेले, बड़ी ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस है टेस्ट मैचेस में, एक ही बैट्समैन है, वो उस तरफ ध्यान दे। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना सोचेगा कैप्टनसी करे या ना करे, वो उसे अपनी गेम से अपनी बैटिंग से बड़ा प्यार है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। मेरे ख्याल से हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यादव देने का फैसला हमारे पास स्पेस है, मुझे ये समझ नहीं आती, मैं फिर मैं बोलूंगा नसीम है, शहीन है, हारिस रऊफ है, मोहम्मद वसीम की भी पेस है, हमारे पास पेस बॉलिंग है, हम लोग वहां पे अच्छा जीत नहीं सकते लेकिन एक थ्रेट तो डाल सकते हैं इस बॉलिंग के जरिए, तो वो ये बॉलिंग जरूर लेके जानी चाहिए। बाप नसीम शाह नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया के, नसीम शाह भी नहीं होंगे, और मोहम्मद अनस को बुलाया जो 2019 में भी टेस्ट खेले थे, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग ही नहीं है, और हमें हमेशा बॉलिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया में हारते हैं। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ हारिस अब्बास को नहीं बुलाया, हारिस रऊफ को, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी पेस है, उसने आगे और लंबी क्रिकेट खेलनी है, उसकी बॉलिंग में निखार आएगा, टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, फोर-डे क्रिकेट वो खेला नहीं है, तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए उसके लिए फायदेमंद होगा, उसको ले जबरदस्ती भेजना चाहिए, पाकिस्तान की टीम है, उसकी मर्जी से वो T20 नहीं खेलनी या वनडे खेलनी, पाकिस्तान को हारिस की बात कर रहे हैं, हारिस रऊफ की। तो हारिस रऊफ आपको नहीं लगता कि डोमेस्टिक में जाना चाहिए थोड़ा सा? सर ये उस वक्त मेरा मानना ये है कि जब सिलेक्शन हुई थी ना फिर उस वक्त खेलने देते डोमेस्टिक क्रिकेट, अब पाकिस्तान खेल गया, वनडे भी खेल गया, 2 साल से 3 साल से है, तो अब टेस्ट क्रिकेट में आए ना। बदला क्या है जो अभी बात शोएब कर रहे हैं कि उनकी कप्तानी कोई गई तो नहीं थी, तो वापस आने वाली बात या दोबारा मिलने वाली बात, यहाँ चेंज क्या हुआ है इस सिनेरियो में? देखिए जब तक पूरी डिसीजन नहीं आ जाता ना, जिस तरह कहते हैं अभी सिर्फ टेस्ट के बारे में बात हुई है, जब तक पूरी सिनेरियो हमारे सामने नहीं होता तो हम उस पर क्या किस तरीके से कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक अभी मीडिया रिलीज आ जाए उसके बाद पता लग जाए कि व्हाइट बॉल का क्या डिसीजन है, तो फिर उस हिसाब से, और फिर बाबर का अपना क्या डिसीजन आता है। आई थिंक अगर तो, जो मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर तो कंटिन्यू किया टेस्ट मैचेस में, तो फिर कंटिन्यू उसको बताना चाहिए कि यू आर लंबा अरसा कंटिन्यू, ये नहीं है कि लंबे हैं अभी, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का टूर टपाना अच्छी बात नहीं है। आई थिंक अगर सिर्फ ये होगा तो बाबर भी उस हिसाब से डिसीजन करेंगे। आई थिंक ये बेहतर ये है कि एक प्रेस रिलीज आ जाएगी, उस पर शायद ड्यूरेशन भी आ जाए कि कब तक कंटिन्यू किया है, शायद आ जाए। बासित भाई यही सवाल आपसे भी है कि अभी तक कोई ऐसी चेंज तो आई नहीं है, कप्तान थे, कप्तान अभी भी हैं, तो ये इस पे इतनी डिबेट क्यों हो रही है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए अभी वो हैं, क्योंकि उनको वो तो अभी कंटिन्यू, मतलब उनके लिए तो नॉर्मल है ना ये कप्तान, वो पहले भी थे कप्तान, रहेंगे वो 3 महीने तक तो रहेंगे, और जब 3 महीने बाद नए चेयरमैन साहब आएंगे तो वो डिसाइड करेंगे, अभी जो मीटिंग करें इनके हाथ में थोड़ी है, इलेक्शन होने दें फिर देखें, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन ये इलेक्शन जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा, इलेक्शन में इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा, और ये अगर हो जाए तो फिर हम एक तरफ हो जाए ना, फिर सारे फैसले जो है वो आपको पता हो कि डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, देर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तो बहुत सारे मामलात हैं, आप देखें सिलेक्शन कमेटी बनाई, उसको तहलील कर दिया, अब आप बैठे हैं, आपको अगले महीने जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो आपके पास अभी चीफ सेलेक्टर भी नहीं है, तो अब चीफ सेलेक्टर बनेगा, फिर उसके बाद सारी चीजें होंगी, तो पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरह चल रही है, बहुत मायूसकुन है, और इतना बड़ा टूर है ऑस्ट्रेलिया का, पिछली दफा जब 2019 में हम दोनों टेस्ट मैच इनिंग से आ रहे, तो यन चैपल ने कहा था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कि पाकिस्तान को ना बुलाया करे टेस्ट मैचेस के लिए, अब पता नहीं क्या लग रहा है, कहीं हमें टेस्ट क्रिकेट का मुतालबा ही ना कर दे कि हमें टेस्ट क्रिकेट से ही निकाल दें।
क्योंकि हमारा हर बार मैनेजमेंट का क्या हुआ जो बोले थे, हाँ उस पर कोई सवाल नहीं हुआ, उस पर भी अगला सवाल यही है। मैंने आपको बताया कि अभी एक मुलाकात एक मीटिंग और होनी है, जरा मीटिंग होने तो दें बातचीत भाई वक्त से पहले। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम कल भी जो रिपोर्ट कर रहे थे, हम बार बार रिपोर्ट कर रहे थे कि बाबर आजम को एतमाद में लिया जाएगा। आज भी मैं इतने मौकफ पे कायम हूँ जो मुझे सोर्सेज से पता चल रहा है कि बाबर आजम को एतमाद में लिया गया है कि वाइट बॉल में हमें क्या करना है, आप भी इसमें अपना इनपुट दें। रेड बॉल में उनके सामने च्वाइस रखी गई, उस पे उन्होंने कहा कि मैं सोचकर आपको जवाब देता हूं। च्वाइस ये रखी गई कि हम तो चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करें, तो उन्होंने कहा कि मैं सोचकर जवाब देता हूं। मैनेजमेंट के हवाले से भी अभी एक मीटिंग होनी है। जैसी वो मीटिंग खत्म होगी तो कुछ इनसाइडर्स आएंगे, हवा में बातें तो हम नहीं कर सकते कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ये मैंने आपको दो तीन दिन पहले से बता रहा हूं कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी इम्कान यही है कि ये गैर मुल्की स्टाफ उनके साथ नहीं होगा। अच्छा, इत्तलात कुछ ये भी आ रही है शुएब कि बाबर ने तो तीनों फॉर्मेट से कप्तानी के लिए मना कर दिया है, वो अभी जो मीटिंग सोच के जवाब देंगे, लेकिन कुछ इत्तलात आ रही है। देखिए अगर मीटिंग में ऐसा कुछ किया होता तो हो जाता कि पीसीबी ने उनकी वो तो होता ना, अगर इनकार कर दिया तो वो क्विट कर गए कैप्टनसी से, रिजाइन कर दिया, मुस्ताफी हो गए, फिर तो ये खबर होती ना। फिर क्रिकेट बोर्ड के पास ये तो नहीं होता, फिर तो होता है कि क्रिकेट बोर्ड उनको मना रहा है। अभी क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा है कि हम आपको कंटिन्यू करना चाहते हैं, मनाना अलग चीज होती है, कंटिन्यू करना आप उनको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जवाब देता हूं, उसमें असल मसला फ्रीजिंग कहां पे आ रही है, वाइट बॉल की कैप्टनसी। ठीक है, ठीक है। एक चीज और भी है, जिस तरह कप्तानी पे बात हो रही बाबर की के नहीं हटा सकते, जो शाहिद भाई ने भी बताया कि कोर्ट के जो ऑर्डर है, मतलब जो लॉ है, मैनेजमेंट के लिए भी तो ये तरीका नहीं हो जाएगा क्या? जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लिए भी सिचुएशन तो वही आती है। देखिए इसका डे टू डे अफेयर्स में तो वो भी मैं नहीं फिर यही कहूंगा कि पीसीबी तर्जमान हो तो वो ज्यादा है, लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मर्स हमें जो इन्फॉर्मर्स या हमें जो इनसाइडर्स इकट्ठे होते हैं उसके मुताबिक अगर उनका विद इन ऑर्गेनाइजेशन रोल चेंज कर दिया जाए, ऐसे समझ लें कि नजीब मेरी कुर्सी पे आ जाए, मैं नजीब की कुर्सी पे चला जाऊं, एनसीए में चले, तो फिर नजीब क्या ये पसंद करेंगे कि यार मैं पूरा शो करता हुआ हूं, अब मुझे करना है कि नहीं करना, सैलरी कम कर दी जाए, बहुत सारी सैलरी तो कैप्स नहीं होते क्योंकि जब एक एग्रीमेंट लॉक हो जाता है, पहले हुआ था अफेयर में नहीं है, हां सैलरी में हुआ था, हाँ लेकिन शादी कर दी गई, अब सैलरी का जो एग्रीमेंट बनता है बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, तो मेरे ख्याल से रोल चेंज हो जाए तो शायद ऐसे हालात हो जाए। बेसिकली जो एक्सटेंशन दी जाती है इलेक्शन तक, उसके लिए जो जुमला यूज किया जाता है कीपिंग द सीट वार्म, यानी आप और कोई आपके पास इख्तियारात ऐसे नहीं होते, सिर्फ आपने काम चलाना होता है, तो चलाने में तो आपको फिर ऑब्वियसली आपने फिर डे टू डे अफेयर्स ही करने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो रोल चेंज हो सकते हैं ना, रोल चेंज हो सकते हैं, लेकिन और किसी को हायर कर रोल चेंज किया। वैसे मैंने देखा है इस वक्त ना पीसीबी की आलिया रशीद यही है। नहीं देखिए मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है तमाम डेवलपमेंट को बताना, नहीं वो, मेरा वो, काम वो, है डेवलपमेंट बताना, आप उसको कोई कैसे भी कर ले, ये तो आप माने कि वो सोर्सेस तो है सर, मैं कह रहा हूँ ना कि किसी चैनल पे ये नहीं है, जो जो क्रेडिट देना चाहिए जो खबरें जैसे इनके पास आती है, सलाम है आपको, पूरा पाकिस्तान सलाम कर रहा है सर, लेकिन हम लोग क्रिकेटर है, इतनी सर्विस की है, इतना रिलेशन भी है सारा, लेकिन हमें बिल्कुल अभी तक नहीं पता। मुझे इस टाइम ऐसे लग रहा है कि नहीं, मैंने तो आपके शो में पहले इनको पता लग रहा है, मैंने आपके शो में कहा था कि अजहर अली आपको बहुत जल्द क्रिकेट बोर्ड में नजर आएंगे, तो मैं तो आज भी इस बात पे कायम हूं। वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पता हूं ना पता हूं, मैं बता रहा हूं, मॉर्निंग मॉर्कल को चले गए ना, नवाबुल हक भी चले गए ना, ये नहीं आ रहे, मैं कह रहा हूं वो दोनों कराते थे, नवाबुल हक 3 साल के लिए थे ना, अब रिजाइन कर गए उन्होंने, जब रिजाइन कर देते हैं तो फिर दूसरा बंदा ठीक है, मेरे की सैलरी भी नहीं मिलती, लेकिन ये है कि अच्छा बॉलिंग कोच भी जल्दी से ले लेंगे, वो चला गया पाकिस्तान, गोल उमर गोल अवेलेबल है, लेकिन जूनियर टीम के साथ यासर और फाद को जरूर लगाना चाहिए, बिल्कुल, और पाकिस्तानी हमारे जितने फॉर्मर प्लेयर्स हैं, कोशिश यही है कि हमारे लोगों को इसमें ट्रेन करें और उन्हीं को आगे प्रमोट करें। अजहर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं तो जल्दी से फिर हम फाइनल थॉट्स ले लेते हैं, मैसेज तो नहीं आ रहा आपको, अच्छा जल्दी से फाइनल थॉट्स ले लेते हैं इस गेम के हवाले से। 250 करना चाहिए न्यूजीलैंड को, सेमीफाइनल है, हाँ तो फिर रन रेट भी तो देखा जाएगा ना, किस चीज के लिए? नहीं आई थिंक मुश्किल होगा, अजी ने लाइन दी थी मुझे, ये तो वैसे ऑफ एयर जरा बाकी लोग भी होते थे, लेकिन ये टफ टफ टास्क है, बहुत टफ टास्क है,
और देखना पड़ेगा पहले 10 ओवर पे डिपेंड करता है कि कितना पहली बॉल में चौका, पहली बॉल में चौका तो लग गया लेकिन पहले 10 ओवर में कैसा स्टार्ट होता है, मोमेंटम कैसा गेन करते हैं और फिर स्पिनर्स का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट पे बहुत अच्छा, अगर आप स्टार्ट अच्छा ले लेते ना तो एक मोमेंटम बन जाता है, प्लेयर सेट होंगे तो यू नो स्पिनर्स को भी बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ये विकेट गिरते रहेंगे ना तो फिर बहुत मुश्किल। और ये वानखेड़े में शुरू में फास्ट बॉलर्स को हाँ, लेकिन आज जैसे कामी भाई लगता है ना, कामी भाई इंडिया में ज्यादा खेले हैं और इनको एक्सपीरियंस भी है, एक आईपीएल भी खेल चुके हैं तो उनको आइडिया है कि जब ग्रास होती है तो रात में कैसे जो है बिहेव करता है। आज ये कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर शायद उतना ट्रबल ना करें लेकिन जिस तरह हम देख रहे थे स्पिन हो रहा है तो स्पिन ज्यादा फैक्टर है। ओवर में दो बाउंड्रियां लगी हैं, पूरे वर्ल्ड कप में ऐसे बॉल उनको मिले नहीं किसी बैट्समैन को बुमराह की तरफ से। ठीक है शोएब, स्मूथ सेलिंग फॉर इंडिया? बिल्कुल नहीं, मैं तो न्यूजीलैंड के साथ खड़ा हूँ क्योंकि न्यूजीलैंड का रविंद्रा हो, विलियमसन हो, मुझे यकीन है कि वो कर सकते हैं। मिचेल है, मुझे यकीन है वो सारे कर सकते हैं और प्रेडिक्शन भी है तो अपने प्रेडिक्शन के साथ प्रेडिक्शन के साथ वो जाएंगे, वो गिव अप नहीं करेंगे, वो गिव अप नहीं करेंगे प्रेडिक्शन के साथ। साउथी भी है सर, बैटिंग में नाम गिना रहे हैं साउथी बैटिंग, क्वालिटी बैटिंग अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग साइड, क्वालिटी बैटिंग क्वालिटी बॉलिंग बहुत ही शानदार। सेमीफाइनल इस वक्त जारी है, फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन से इतना ही, दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।